हेलो, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। हम लेकर हाजिर हैं एक और वीकली फैक्ट चेक अपडेट के साथ, जहां बीते हफ्ते के बड़े फैक्ट चेक्स के बारे में हम आपको बताएंगे। ये फैक्ट चेक्स आपको सरसरी तौर पर बताए जा रहे हैं, इन्हें डिटेल में पढ़ने के लिए जाएं हमारी वेबसाइट altnews.in पर, या इसके लिए आप एंड्रॉइड ऐप या iOS ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं पहले फैक्ट चेक की तरफ, जो है उस प्रदेश से जुड़ा हुआ जहां चुनाव आने को है, यानी केरला। केरला में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर राज्य में चुनाव प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है। इसी दौरान कांग्रेस से जुड़े सलमान निजामी ने 4 मार्च 2021 को हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल ट्वीट करते हुए यह दावा किया कि केरला में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी कैंडिडेट ने अच्छी क्वालिटी का बीफ देने का वादा किया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट जरिता लेगफलांग ने यह आर्टिकल इसी दावे के साथ ट्वीट किया। इंडिया टीवी का 22 सेकंड का एक वीडियो शेयर करते हुए केरला में भाजपा उम्मीदवार के बीफ सप्लाई करने के वादे का दावा किया जा रहा है। असल में हिंदुस्तान टाइम्स की जो रिपोर्ट सलमान निजामी और बाकी यूजर्स ने शेयर की है वो 2017 की है। अगर लोग ये आर्टिकल खोल कर देख लेते तो उन्हें भी ये बात मालूम हो जाती। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उस वक्त होने वाले उपचुनाव के दौरान केरला के मुस्लिम बहुल इलाके मलप्पुरम में भाजपा प्रत्याशी एन श्रीप्रकाश ने अच्छी क्वालिटी का बीफ सप्लाई करने का वादा किया था। इंडिया टीवी ने यह वीडियो 3 अप्रैल 2017 को अपलोड किया था। इसी वीडियो का एक हिस्सा इस दावे के साथ वायरल किया जा रहा है कि केरला के बीजेपी कैंडिडेट ने अच्छी क्वालिटी का बीफ सप्लाई करने का वादा किया है। चलेंगे अगले फैक्ट चेक की तरफ, जहां है एक सीसीटीवी फुटेज और किडनैपिंग का एंगल। 25 फरवरी को एक सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद कई मीडिया हाउसेस ने इसे कवर किया। वीडियो में लाल रंग का कुर्ता पहने एक शख्स बुर्के में दिख रही एक लड़की को पकड़कर ले जा रहा है। खबर में बताया गया कि मेहताब नाम के आरोपी ने इस नाबालिग लड़की को बुर्का पहनाकर अगवा कर लिया। भारत समाचार ने इसे लव जिहाद का मामला बताया। हिंदुस्तान अखबार ने 26 फरवरी को एक खबर छापते हुए शीर्षक लिखा, मेहताब ने तीसरी बार किया है किशोरी को अगवा। सुदर्शन न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज शेयर करते हुए मेहताब के बारे में बात की और यह भी कहा कि इस मामले पर टिकैत चुप हैं। टिकैत किसान नेता हैं और सुदर्शन किस लॉजिक से टिकैत के बोलने की बात कर रहा है यह समझ से परे है। ऑप इंडिया ने इस मामले पर 26 फरवरी और 27 फरवरी को 2 आर्टिकल लिखे। आज तक की एक रिपोर्ट में लिखा है, एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने बताया कि पीड़िता ताजगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। 2018 में भी आरोपी मेहताब ने पीड़िता का अपहरण किया था, जिसे स्थानीय थाना पुलिस ने बरामद कर लिया था। मेहताब के डर की वजह से लड़की अपना घर छोड़कर अपने रिश्तेदार के घर न्यू आगरा थाना क्षेत्र में रह रही थी। कुश्ती खिलाड़ी योगेश्वर दत्त ने भी एक ट्वीट में मेहताब को दोषी बताया और सख्त सजा की मांग की। 2 मार्च को उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया। उन्होंने बताया कि 23 फरवरी को आगरा से अगवा हुई युवती को तिलक नगर नई दिल्ली से सकुशल बरामद किया गया। इस प्रेस नोट में लिखा है, लड़की 1 साल से ग्वालियर के दिव्यांशु के संपर्क में थी और इनकी फोन पर बातचीत होती थी। दिव्यांशु 23 फरवरी को एक गाड़ी किराए पर लेकर दिल्ली आया और अपने सहयोगी रिंकू द्वारा लड़की को बुर्का पहनवाकर ले गया। रिंकू पहचान छुपाने और भ्रमित करने के लिए सिर पर काली टोपी और पठानी सूट पहना था। इस केस की पूरी क्रोनोलॉजी हम आपको समझाते हैं। असल में लड़की ने मेहताब राणा को सबक सिखाने के लिए साजिश रची थी। इसके पीछे वजह क्या थी? 2018 में लड़की ने मेहताब पर रेप और अगवा करने का केस दर्ज किया था। इस केस में मेहताब को 1 साल की सजा हुई थी। 2019 में उसे पेरोल पर जमानत मिल गई थी। 1 मार्च को पुलिस ने मेहताब की बीवी और 2 भाभियों को लड़की को भगाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 3 मार्च की इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक लड़की ने हालिया मामले में मेहताब के किसी भी तरीके के रोल को इनकार किया है। इसके बाद 4 मार्च की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस ने मेहताब और उसके परिवार के खिलाफ अगवा करने का चार्ज हटा दिया, लेकिन 2018 वाले मामले में मेहताब पर साथ देने के आरोप में उनके परिवार वालों को जेल में ही रखा है। FIR की कॉपी वगैरह देखने के बाद साफ हो जाता है कि असल में पुलिस ने सिर्फ शक के आधार पर मेहताब की फैमिली को जेल में डाला, क्योंकि लड़की के पिता ने अपनी लिखित शिकायत में मेहताब का नाम लिखा था। इसके बाद मीडिया ने इसे उछालना शुरू कर दिया और मामला सांप्रदायिक हो गया, जबकि ऐसा कुछ असल में था ही नहीं। बढ़ते हैं अगले फैक्ट चेक की तरफ, जो है आंध्र प्रदेश में क्रिश्चियन क्रॉस लगाए जाने के मसले से जुड़ा हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और आंध्र प्रदेश के सह प्रभारी सुनील देवधर ने दावा किया कि आंध्र के एदलापडु में एक पहाड़ी पर गैर कानूनी तरीके से ईसाइयों का क्रॉस लगाया गया। उन्होंने कहा कि हिंदू पुराणों के मुताबिक वहां पर सीता के पांव के निशान हैं। उनके अनुसार जहां क्रॉस लगाया गया है उसके पीछे हिंदू देवता नरसिम्हा की पत्थर की मूर्ति भी है। सुनील देवधर का ट्वीट कर्नाटका से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी कोट ट्वीट किया। तेजस्वी ने लिखा कि हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को सुनियोजित ढंग से निशाना बनाया जा रहा है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने भी यह दावा शेयर किया कि सीता के पदचिन्ह की जगह क्रॉस लगाया गया। ऑल्ट न्यूज ने आंध्र प्रदेश की पुलिस से बात की।
एदलापटू पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर श्रीहरि ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि ये क्रॉस उसी पहाड़ी पर लगाया गया है जहां मदर मेरी का कम से कम 30 साल पुराना मंदिर है। इससे करीब 500 मीटर की दूरी पर एक दूसरी पहाड़ी है जहां हिंदू देवता विष्णु के अवतार भगवान नरसिम्हा का पूजनीय स्थल है और हिंदू धार्मिक स्थल पर किसी ने भी कोई भी कब्जा नहीं किया है। हमने जब और चेक किया तो हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट मिली जिसमें नरसारावपेट के डिप्टी कलेक्टर श्रीवास नूपुर का बयान था। उन्होंने भी वही बात कही जो सब इंस्पेक्टर श्रीहरि ने हमें बताई थी। गुंटूर के रूरल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया और दिखाया कि हिंदू धर्मस्थल दूसरी पहाड़ी पर है। गुंटूर जिला कलेक्टर ने भी ट्वीट करते हुए बताया कि ये दावा कि क्रॉस को सीता माता के पदचिन्ह और भगवान नरसिम्हा की मूर्ति वाली जगह पर लगाया गया है सच नहीं है। अगला फैक्ट चेक है एक वायरल हो रही तस्वीर से जुड़ा जो दलित स्वतंत्रता सेनानी बांके चमार की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति की तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया गया है कि ये शख्स 1857 के स्वतंत्रता सेनानी बांके चमार हैं। कुछ लोग ये तस्वीर स्वतंत्रता सेनानी उदैया चमार की बताकर भी शेयर कर रहे हैं। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय संयोजक प्रदीप नरवाल ने 20 जुलाई 2020 को ये तस्वीर उदैया चमार की बताकर ट्वीट की थी। गूगल रिवर्स इमेज सर्च से हमें यह तस्वीर विकिपीडिया पर मिली। ये तस्वीर 1860 के दशक की बताई गई है। कैप्शन के मुताबिक ये पूर्वी बंगाल में मछुआरों की एक जात के लोगों की तस्वीर है। विकिपीडिया ने इस जानकारी का स्रोत ब्रिटिश लाइब्रेरी को दिया है। ब्रिटिश लाइब्रेरी पर हमें यह तस्वीर मिली। इस तस्वीर को खींचने वाले के नाम के बारे में वहां कोई जानकारी नहीं दी गई है। हाँ, ये जरूर बताया गया है कि 1860 के दशक की शुरुआत में ये तस्वीर ली गई थी और इसमें आधुनिक बांग्लादेश और असम के इलाके में पाए जाने वाले कोइबोर्तो समुदाय का एक शख्स दिख रहा है। ये लोग मुख्यतः मछुआरे होते थे। दलित फ्रीडम फाइटर्स नाम की मोहनदास नैमिसारे की किताब के मुताबिक बांके चमार जौनपुर जिले के मछली शहर के कुंवरपुर गांव में रहते थे। 1857 की क्रांति के बाद बांके चमार और उनके 18 साथियों को अंग्रेजों ने बागी घोषित कर दिया था। उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो ये थे हमारे बीते हफ्ते के कुछ जरूरी फैक्ट चेक्स। ऐसा नहीं है कि हमने बस इतनी ही गलत खबरों की जानकारियां उपलब्ध करवाई हैं। इसके अलावा भी कई गलत जानकारियों की सच्चाई हमने आप तक पहुंचाई है। इनको एक साथ एक जगह पर पाने के लिए जाएं हमारी वेबसाइट altnews.in पर। हिंदी में पढ़ने के लिए जाएं altnews.in/hindi पर। वीडियो देखते देखते आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें। लोगों तक पहुंचने में ये हमारी मदद करेगा और साथ ही मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ इस लड़ाई में हम और मजबूत हो सकेंगे। मेरा नाम है केतन और ऑल्ट न्यूज़ में अपना भरोसा यूं ही दिखाते रहें। आपका भरोसा हमारी ताकत।